दोस्तों कैसे हो, मेरा नाम नितिन और हम बात करेंगे पोलो के बारे में। ये सिक्स जनरेशन फेस्टेड मॉडल है यूरोपियन मार्केट में, और इंडिया में वही मॉडल चल रहा है छोटे मोटे चेंजेस के साथ। सबसे पहले बात करता है गाड़ी के फ्रंट से। ऑल ओवर गाड़ी देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, आगे से पीछे से साइड से सब जगह से गाड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। अब बात कर लेते हैं इसके DRLs के बारे में। DRL भी अच्छी लग रही है देखने में, और इसके जो हेडलैम्प्स है, और ये है मैट्रिक्स LED हेडलैम्प्स, इनको नाम दिया गया है वोल्सवैगन ने। ये हेडलैम्प्स एक IQ टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, जो हाई बीम लो व्हील अपने आप ही ऑपरेट करते हैं सामने वाली गाड़ी को देखकर। आगे इस गाड़ी में सेंसर लगा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये देखते हैं, उसको देखते हुए अपने आप एडजस्ट करते हैं हाई बीम और लो बीम। अच्छा फीचर है, ये महंगी गाड़ियों में आता है। इस गाड़ी में हाई ट्रिम्स में आपको चारों टायरों में डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे, नो ड्रम ब्रेक्स, जो कि डिस्क ब्रेक देखते हुए काफ़ी ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी गाड़ी की। देख सकते हैं इसमें फ्रंट में सेंसर्स भी दिए हुए हैं फॉग लैम्प के ऊपर। अब बात कर रहे थे इसकी साइड के बारे में। साइड में इसमें कोई लुक्स में तो चेंजेस है, बट इसमें कुछ ज़्यादा बड़े चेंजेस है नहीं। और आपको साइड मिरर पे इंडिकेटर्स मिलेंगे, और आर लाइन आपको बैजिंग मिल जाएगी साइड में। और अलॉय और रिम्स की बात करें, हाई ट्रिम्स में आपको अलॉय देखने को मिलेंगे 15 से 16 इंची के, मोस्ट प्रोबेबली 16 इंचेस के भी मिल सकते हैं, वैसे 15 इंचेस के चांसेस है। और रिम्स की बात करें तो 14 इंचेस को आपको रिम्स मिलेंगे देखने को। और अगर हम प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये पोलो टाइगुन के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, जैसे टाटा हैरियर लैंड रोवर के प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, ऐसे ही ये टाइगुन के प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। गाड़ी में आपको साइड मिरर्स पे ब्लाइंड स्पॉट का ऑप्शन भी मिलेगा, जो लाइट जल जाती है ना ब्लाइंड स्पॉट के लिए, आप देख सकते हैं ब्लाइंड स्पॉट के लिए भी लाइट दी गई है साइड मिरर्स में दोनों में। गाड़ी की तरफ फेक एग्जॉस्ट भी दिए गए हैं। ऊपर आप देख सकते हैं एंटीना हमें नॉर्मल देखने को मिलेगा। इंडियन मार्केट में जब ये लॉन्च होगी तब सार्किन एंटीना आपको देखने को मिलेगा इंडियन मार्केट में। उसके नीचे हाई स्टॉप लैंप दिया गया हुआ है। गाड़ी के पीछे पोलो की बैजिंग दी हुई है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 165 से 170 के बीच में मिलेगी। इंडियन मार्केट में जो आएगी उसकी बात मैं कर रहा हूँ आपसे। बैक साइड में आपको फ्लोटिंग इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे, और हेडलाइट्स जितनी भी होगी सारी LED बेस्ड हेडलाइट्स होगी। 4 सेंसर आपको पीछे की तरफ मिलेंगे, 4 आगे की तरफ मिलेंगे, और बैक साइड में कैमरा भी मिलेगा। 360 डिग्री एंगल कैमरे के बारे में कुछ पता नहीं है, अभी कुछ अपडेट्स नहीं आए हैं, मुझे लगता कि वो आएगा। अब बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर के बारे में। इंटीरियर में सबसे पहले बात करते हैं हम स्टीयरिंग व्हील के बारे में। स्टीयरिंग व्हील में आपको डी कट स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, जिसका ट्रेंड मार्केट में अभी चल रहा है। और आपको इंफोटेनमेंट के सिस्टम के बटन्स भी आपको हैंडल्स पे ही मिलेंगे, अच्छे लगते हैं देखने में। और जो इसकी कम्यूटर है वो भी आपको फुली डिजिटल है, इसका इंफोटेनमेंट भी फुली डिजिटल है, कोई छोटे मोटे बटन्स है उसमें बट फुली डिजिटल है। और इसमें आपको नेविगेशन सारे सिस्टम सारी चीज़ें मिलती है देखने को, ऐप कनेक्टिविटी मीडिया शॉप आप देख सकते हैं। गाड़ी अंदर से देखने में बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगती है, जैसे आपके साइड जो डोर ओपनर है वो भी काफ़ी लग्जरी टाइप में दिए हुए हैं, वो सारी चीज़ें देखने में बहुत ही लग्जरी लगती है। अब बात करते हैं इसके AC के बारे में। AC ड्यूल जोन AC इसमें दिया गया है, उसमें हर जगह आर की बड़ी बैजिंग दी हुई है। ड्राइवर के सामने बिल्कुल नीट एंड क्लीन डैशबोर्ड दिया गया है। और जो सबसे अच्छी चीज़ है इस गाड़ी में, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, वो है इसका DSG गियर बॉक्स। अब बात कर लेते हैं इसकी फीचर्स की। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ये आपको बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक की बता देता हूँ, 8 से लेकर 10.25 इंची तक मिलेगी आपको। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा आपको 6.25 इंच से लेकर 8 इंची तक मिलेगा मैक्सिमम। ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल टच बेस्ड हो गए, एम्बिएंट मिलेगी। सेफ्टी फीचर पे हम आ जाते हैं, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल इसमें मिलेगा हमें, लेन असिस्ट मिलेगा, IQ लाइट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ वो है, जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। सेंट्रल एयरबैग जो ड्राइवर की सीट और को ड्राइवर की सीट के बीच में लगा होता है, और गाड़ी साइड से टकराने में या रोल ओवर होने में बीच में खुलता है, उससे बेनिफिट ये होता है कि ड्राइवर और को ड्राइवर आपस में नहीं भिड़ते, आपस में उनका टकराव नहीं होता। ये भी एक बहुत ही अच्छा सेफ्टी फीचर है, जो और भी गाड़ियों को और भी कंपनीज को देना चाहिए मैं मानता हूँ। और इसमें आपको नॉर्मल हैंड ब्रेक देखने को मिलेगा आर्मरेस्ट के साथ। अब बात कर लेते हैं इसकी बैक सीट के बारे में और डिग्गी के बारे में। डिग्गी में भी स्पेस बढ़ा दिया गया है, और बैक सीट में भी स्पेस बढ़ा दिया गया है, पहले से ज़्यादा आपको स्पेस मिलेगा देखने को। गाड़ी की सीट्स 60-40 स्प्लिट होती है। आपको बूट में भी एक लैंप देखने को मिलेगा, को एक पार्सल ट्रे भी देखने को मिलेगी, और 14 इंची का स्पेयर व्हील भी आपको देखने को मिलेगा विद रिम। अब बात कर लेते हैं इसकी इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। इंजन ऑप्शन 3 मिलेंगे आपको। सबसे पहला मिलेगा 1 लीटर का MPI, इसमें 80 PS की पावर जनरेट करेगा 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में।
दूसरा इंजन ऑप्शन भी आपको एक लीटर में ही मिलेगा। ये मिलेगा TSI की टेक्नोलॉजी के साथ, 95 PS की पावर जनरेट करेगा। और इसके साथ साथ एक और इंजन इसमें ऐड किया गया है, 110 PS की पावर जनरेट करेगा इसी उसमें इंजन में, जो कि एक लीटर का जो 95 PS की पावर जनरेट करेगा वो 6 स्पीड मैनुअल में आपको ट्रांसमिशन में मिलेगा। और जो 110 PS की पावर जो जनरेट करेगा वो मिलेगा आपको 7 स्पीड DSG गियरबॉक्स के साथ। और अब हम बात करेंगे मेन CNG के बारे में। इसमें इंडिया में CNG वेरिएंट भी आपको देखने को मिलेगा। ये इंजन स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको एक लीटर में, ये भी आपको एक लीटर में मिलेगा, जो कि TGI टेक्नोलॉजी। इसमें आपको स्टैंडर्ड CNG फिटिंग मिलती है। इसके सिलेंडर आपको चेचिस के साथ बंधे हुए मिलेंगे प्रॉपर तरीके से, जहाँ पे हम अपना जो स्पेयर व्हील रखते हैं ना, वहाँ पे आपको सिलेंडर फिटिंग वहाँ पे आपको ऑलरेडी मिलेगी। बड़ी ही जेन्युइन और अच्छी फिटिंग आपको देखने को मिलेगी। और जो आपको CNG वाला वेरिएंट जो देखने को आपको मिलेगा, उसमें जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी वो मिलेगी 16.5 लीटर, 16.5 लीटर्स की ओनली पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी मिलेगी। इसके बाद बात कर लेते हैं इसके CNG कैपेसिटी के बारे में, CNG टैंक कैपेसिटी के बारे में। ये होगा आपको 14 किलो का मिलेगा। इसमें रेंज मिलती है आपको 370 की पर किलोमीटर का। अगर हम हिसाब लगाएं तो आप 0.1.5 मिलेगा, 1.5 किलोमीटर के आसपास आपको रेंज मिलेगी। अगर हम कैलकुलेशन लगाएं तो सारी आप 1.5 रुपये में 1 किलोमीटर चलोगे गाड़ी से। अब बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में। बिल्ड क्वालिटी के मामले में सबसे पहले आता है टाटा की अल्ट्रोज आती है, फिर उसके बाद आती है आपकी पोलो, तीसरे नंबर पे i20, चौथे नंबर पर बलिनो। और दोस्तों इसके एक्सपेक्टेड प्राइस रहेंगे 7 लाख से लेके 11 लाख रुपये एक्स शोरूम, 7 लाख रुपये से लेके 11 लाख रुपये एक्स शोरूम उसके प्राइजेज रहेंगे इंडियन मार्केट में। तो जितना भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं बना सकता था मैंने बनाया आपके लिए। आप कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो अपने भाई का चैनल।